नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कल के दिन के कुछ ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जिसमें आप ट्रेड करके अपना अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्टॉक के बारे में बताऊंगा ही नहीं, उसके बारे में आपको सिखाऊंगा भी कि किस तरीके के पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके के आप ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों, कहना चाहूंगा ये जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आप हमारे बताए गए किसी स्टॉक में कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क दोस्तों आपका अपना होगा। तो वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करने पे हम लेके जाएंगे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे ही आपको समझाएंगे। तो आज हमने मॉर्निंग में, पहले आपको बताता हूँ कि आज एक पैटर्न फॉर्म हुआ था टॉरेंट पावर में। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा चार्ट एनालिसिस। ये देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस में ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा मेंबर अभी हैं। ये लोगों हमारी पहचान है, यहाँ पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने टॉरेंट पावर में बताया था कि शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है 300 पे, यानी कि 299.95 पे ही बताया था कि यहाँ पे अपनी पोजीशन आप शॉर्ट बना सकते हैं। तो बात करेंगे हम टॉरेंट पावर की, और टॉरेंट पावर के हम चार्ट पे लेके जाएंगे। तो मैं चार्ट को थोड़ा सा दोस्तों जूम करता हूँ और जूम करके ही आपको बताता हूँ, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कल के दिन में आप कौन से स्टॉक में अपना ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस एरिया में जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ था तो बताया था कि आप अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाएंगे 300 के आसपास, और उसके बाद इसका लो बनाया था, वो बनाया था 293 के आसपास, क्लोजिंग करिए इसने 297.60 की। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक पैटर्न है जिसको बोलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार। जैसे ये देख रहे हैं ये शूटिंग स्टार दोस्तों पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है ये। शूटिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल दोस्तों इसमें बेरिश बनी थी, और बेरिश के बाद जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो इसने जो सेल कंफर्म करी थी, वैसे 299 के आसपास सेल कंफर्म करा था, अभी जो प्राइस चल रहा है 297.60 का है। तो टॉरेंट पावर में जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 314.25 पे। तो अभी भी टॉरेंट पावर में सेल एक्टिवेटेड है, अगर आप चाहें तो कल के दिन टॉरेंट पावर में अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। बट एक बार आप मॉर्निंग में मार्केट देखिएगा, 15 मिनट से वॉच करिएगा, उसके बाद आप टॉरेंट पावर में अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम का आपको बेनिफिट ये है कि डेली बेसिस पे लाइव मार्केट में ही हम यहाँ पे चार्ट पोस्ट कर देते हैं। अब दूसरा स्टॉक के बारे में दोस्तों चर्चा करना चाहूंगा, वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में एक पैटर्न फॉर्म है जिसको बोलते हैं दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न, और आज जो हमने बोला था इसको बाइंग करने के लिए वो बताया था 4655 पे। तो बजाज फिनसर्व का दोस्तों जो ये पैटर्न बना था वो डेली चार्ट पे दोस्तों देखने को मिला था। तो यहाँ पे मैं आपके सामने बजाज फिनसर्व का चार्ट आपके सामने ओपन करता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों हम समझेंगे। आज हमने यहाँ पे ही बता दिया था कि यहाँ पे दोस्तों पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बाद दोस्तों जैसे कि मैं दोबारा से टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा, तो हमने बजाज फिनसर्व जो बाय के लिए बोला था वो 4655 पे बोला था, और दोस्तों आज आप देख रहे हैं इसने जो अभी हाई बनाया है वो बनाया है यहाँ पे, देखिए दोस्तों हाई बनाया है 4760 का। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि अगर आपने भी बजाज फिनसर्व में अपनी बाय पोजीशन बनाई होगी तो दोस्तों अभी आपको अच्छे पैसे मिल रहे होंगे। बट मैं बजाज फिनसर्व का अगर आपको टारगेट बताऊं तो मुझे बजाज फिनसर्व लग रहा है 5,000 रुपए के आसपास, तो लग रहा है कि 5,000 रुपीज के आसपास बजाज फिनसर्व जा सकता है। ट्रायंगल पैटर्न बना है, ब्रेकआउट इसका आ चुका है, और जहां पे हमने इसको बाय बताया था वहां से 100 रुपए ये चल चुका है। तो अब मैं आपको दोस्तों तीसरे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो है IGL। IGL में दोस्तों एक पैटर्न फॉर्म हुआ है 30 मिनट के चार्ट में जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो मैं आपको जल्दी से IGL के चार्ट पे लेके जाता हूँ, और IGL के चार्ट पे ही आपको बताता हूँ कि किस तरीके का पैटर्न देखने को मिला था। तो 30 मिनट का हम यहाँ पे लेके जाते हैं, 30 मिनट पे हम यहाँ पे देखते हैं। इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है। नेक्स्ट कैंडल दोस्तों इसकी बेरिश थी, और बेरिश के बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ ये 460 के बाद सेलिंग कैंडिडेट बन गया। इसके बाद इसने जो लो बनाया वो 459 के आसपास का बनाया था, और उसके बाद ये 470 तक भी गया, बट दोस्तों इसने क्लोजिंग करी 464.50 की। तो दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा कि IGL भी सेल कैंडिडेट है, IGL को भी आप सेल करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और सेल करते हैं तो दोस्तों आपको अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। फिर से कहना चाहेंगे एजुकेशनल चैनल है, अगर आप हमारे बताए गए किसी स्टॉक पे कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना होगा दोस्तों, तो प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी दोस्तों आप ही का है। तो IGL में शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, इसके साथ बजाज फिनसर्व में ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तीसरा जो स्टॉक हमने दोस्तों आपको बताया है वो है टॉरेंट फार्मा। तो ये तीन स्टॉक दोस्तों बहुत अच्छे लग रहे हैं,
और अगर कल भी हमें कोई किसी स्टॉक में कोई पैटर्न दिखेगा, कोई एग्जैक्ट अच्छा पैटर्न दिखेगा, तो वो हम क्या करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों पोस्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ अपने पोर्टफोलियो के बारे में, तो आज मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा और पोर्टफोलियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरा पोर्टफोलियो आज 7.5% बढ़ चुका है। 7.5% बढ़ने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको अपने स्टॉक्स दिखा देता हूँ। मेरे पास HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, ICICI बैंक है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, मैंने बताया था कि मैंने HDFC लिया हुआ है, ICICI बैंक, ITC, मदरसन सुमी, कितने बार आपको बोला है मदरसन सुमी स्टॉक जरूर उठाइए, बहुत अच्छा स्टॉक है, 56 से बोर्डों से उठाने के लिए और 14% बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ Nifty 20, Bank 20, पॉलीप्लेक्स, टाटा मोटर, वेदांता, बहुत सारे स्टॉक्स मैंने उठाए हुए हैं। तो मैं देखूंगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 7.5% बढ़ा हुआ है और 20% नेगेटिव भी हो चुका था मेरा पोर्टफोलियो एक बार। बट ये पोर्टफोलियो दिखाने का मेरा रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पोर्टफोलियो दिखाने का रीज़न मेरा ये है, आपको पता कि पहले तो मैं कि ट्रेडिंग भी करता हूँ और इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। मैं ट्रेड भी करता हूँ डेली बेसिस पे और मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट मेरी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो यहाँ पे मेरे को जो बेनिफिट मिला है वो टिकर टेप से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। वैसे मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ बट मैं अगर फंडामेंटल कुछ न्यूज़ वगैरह लेनी होती है तो मैं टिकर टेप की हेल्प जरूर लेता हूँ। तो टिकर टेप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप इसके पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्क्रीनर का, स्क्रीनर पे जाइए आप। स्क्रीनर पे जाने के बाद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टॉक से रिलेटेड। और ये जो मैंने पोर्टफोलियो अपना बनाया है कहीं ना कहीं इसकी हेल्प जो मैंने ली है वो टिकर टेप से भी ली है। टिकर टेप में होता क्या है दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टॉक में किसी भी तरीके की रिसर्च करनी है तो आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। आप डायरेक्टली स्टॉक को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मेरे को ITC सर्च करना है तो ITC का स्टॉक मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद मैं इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि जैसे इसका P रेशो क्या है, PB रेशो क्या है, डिविडेंड यील्ड दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम बात करेंगे फोरकास्ट की कि क्या रेटिंग चल रही है और एनालिस्ट किस तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं, इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू और जितनी भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन होती है वो मुझे यहाँ पे मिल जाती है। इवन अगर आप चाहें तो इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं, लाइन चार्ट भी आपको मिल जाता है। तो फॉरकास्ट से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, होल्डिंग, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। बट इसका जो सबसे बेनिफिशियल मुझे जो लगा है, जो टूल लगा है, वो है मार्केट मूड इंडेक्स। मार्केट मूड इंडेक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि जब एक्सट्रीम फियर हो तब आपको पोजीशन उठानी चाहिए। एक्सट्रीम फियर का मतलब क्या होता है, जब लोग ज़्यादा डरे हो, और मैंने जब पोजीशन बनाई थी जब एक्सट्रीम फियर था और उसके बाद फियर अपग्रेड चल रहा है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अभी होने क्या वाला है, जब एक्सट्रीम फियर था तब लोग डरे हुए थे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, जैसे 7500 या 8000 के आसपास वहाँ पे एक्सट्रीम फियर था, बट आज बाजार 9000 के ऊपर चल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ग्रीड आ रहा है, लोग अभी से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये एक्सट्रीम ग्रीड पे चले जाएगा तो वहां से दोस्तों बाजार एक बार नीचे जरूर आएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक्सट्रीम फियर हो तो वहां पे अपनी पोजीशन आप बाय कर सकते हैं, एक्सट्रीम ग्रीड हो वहां से अपनी पोजीशन सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डबल बॉटम ज्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पे डबल टॉप देखने को मिलते हैं। ग्रीड का मतलब होता है जब ज्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं तो क्या होता है, ऑपरेटर अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाता है तो वहां से बाजार नीचे आता है, और जब एक्सट्रीम फियर होता है तो क्या होता है, लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर कर रहे होते हैं लॉस में, तो वो एक अच्छा टाइम होता है बाइंग करने का। इसी वजह से दोस्तों मेरा जो प्रॉफिट है वो 7.5% का आया है। दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि टिकर टेप का आप यूज करिए, टिकर टेप का यूज करने के बाद आप लॉगिन भी करिए। इसके साथ साथ दोस्तों अब इसमें एक कॉन्टेस्ट भी है जिसमें आपको करना क्या होता है कि आपको टॉप गेनर और टॉप लूजर चूज करना होता है। अगर आप डेली बेसिस पे टॉप गेनर और टॉप लूजर चूज करते हैं तो उसमें दोस्तों ये आपको कुछ कैश में प्राइस भी देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टिकर टेप भी आप यूज कर सकते हैं, इससे मेरा पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव हुआ है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, मैं फिर से चार्ट पे लेके जाऊंगा और चार्ट पे लेके जाके आपको समझाता हूं कि यहां पे मैंने आपको 3 स्टॉक बताए हैं और 3 स्टॉक्स में आप अपने पोजीशन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैं स्टॉक और रिकमेंड करूंगा वो है डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी मुझे लग रहा है कि एक बार अपना हाई और बनाएगा, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डी एक बार 3900 के आसपास जाएगा, वहाँ पे जरूर ये कोई सेलिंग का सिग्नल जरूर देगा। इसके साथ साथ एक स्टॉक ओवर है दोस्तों, सिप्ला की बात करूंगा। सिप्ला भी जो चल रहा है 602 रुपये के आसपास चल रहा है, और अगर मैं अवरली चार्ट की बात करूँ यहाँ पे तो ये 614 रुपये तक जा सकता है, 614 तक जाएगा, और वहाँ से जरूर ये डबल टॉप बना के वहाँ से ये नीचे आ सकता है क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा बट ये आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। तो लाइव मार्केट से कनेक्ट होने के लिए जरूर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।